का जो थर्मल फिजिक्स का और बेसिक फिजिक्स का जो हमारा आर्टिकल है वो हम क्लोजियस इनइक्वालिटी स्टडी करेंगे और क्लोजियस थ्योरम है वो जानेंगे क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलते रहें जैसी बेसिक फिजिक्स की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक क्लोसियस थ्योरम। क्लोसियस थ्योरम हमने अपने पिछली वीडियो के अंदर क्या जाना था, उसमें हमने कार्नोट थ्योरम और कार्नोट इंजन के बारे में स्टडी किया था। कार्नोट थ्योरम और कार्नोट इंजन क्या थे, कार्नोट इंजन का हमारा जो मेन आर्टिकल था उसमें हमने एक आइडियल गैस के लिए जो एक्सपेंशन थी उसकी कार्नोट इंजन के अंदर, तो उसमें टेम्परेचर को हीट को जो हमने रेशियो निकाला था QH ओवर QL इज इक्वल टू TH ओवर TL, ठीक है, वो रेशियो हमने निकाला था, उसकी हेल्प से क्लोसियस थ्योरम है वो ड्राइव करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्लोसियस थ्योरम ये रियलिटी के अंदर है क्या, क्लोसियस थ्योरम डिफाइन करती है हीट और टेम्परेचर का रेशियो, हीट और टेम्परेचर का रेशियो किसी भी इंजन के लिए जो कि रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो वो उसको डिफाइन करती है भी ये होता क्या है, ठीक है। क्लोसियस थ्योरम यही है वो हम जानेंगे, पहले सबसे पहले जानते हैं जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था उसी आर्टिकल से लेकर चलते हैं, QH ओवर QL इज इक्वल टू TH ओवर TL। QH हीट थी जो कि हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से उसने ली थी कार्नोट इंजन ने, और वो वर्क डन करने के बाद QL हीट लोअर टेम्परेचर के रिजर्वायर को जो कि TL जिसका टेम्परेचर था उसको हमने QL हीट सप्लाई की थी कार्नोट इंजन ने DW वर्क करने के बाद, और TH हायर टेम्परेचर था और TL लोअर टेम्परेचर था, दो रिजर्वायर के बीच में अगर कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है तो उसने QH हीट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लेके आगे वर्क डन करके और जो QL हीट है वो आगे स्मॉल रिजर्वायर TL को सप्लाई की थी। तो QH और QL इज इक्वल टू TH ओवर TL था, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं QH डिवाइडेड बाय TH माइनस QL डिवाइडेड बाय TL इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं क्योंकि QL को इस साइड लेंगे, QL ओवर TL हो गया और TH को इस साइड, तो QH ओवर TH हो गया, इसको इस साइड लेके आए फिर, तो QH ओवर TH माइनस QL ओवर TL इज इक्वल टू जीरो। अब जो ये इक्वेशन है इसको जनरल के अंदर सभी के लिए समेशन डेल्टा Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, ये किस केस के लिए हुआ, ये था अपने पास कार्नोट इंजन के केस में, ये था कार्नोट इंजन के केस में, हम कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं सभी इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक जनरल फॉर्म में आगे ड्राइव करेंगे भी सभी इंजन का हमने जनरल फॉर्मूला निकालना हूं क्लोसियस इनइक्वालिटी के लिए क्लोसियस थ्योरम के लिए, तो वो कैसे निकलेगा, हम पहले सिंपल कार्नोट इंजन के लिए निकाले हैं, तो ये समेशन साइकिल के अलोंग डेल्टा क्यू रिवर्सिबल ओवर डेल्टा ओवर टी इज इक्वल टू जीरो, ये रिवर्सिबल साइन किसको शो कर रहा है, REV डेल्टा क्यू यानी कि जो हीट है वो रिवर्सिबल इंजन के लिए है, रिवर्सिबल। कार्नोट इंजन कैसा था, कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल इंजन था, ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन के केस में डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अगर इसको डेल को हटाएं इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो क्लोज इंटीग्रल डी कट क्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, ये केस होगा जब अगर केस अपना रिवर्सिबल है तो, लेकिन सारे इंजन्स क्या रिवर्सिबल होते हैं, नहीं होते, कुछ इंजन्स इरिवर्सिबल भी होते हैं, ठीक है, प्रोसेस साइक्लिक होगी लेकिन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होना जरूरी नहीं है, तो इंजन जो रियल इंजन एग्जिस्ट करते हैं वो सारे इंजन जरूरी नहीं है कि रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, इसीलिए जो ये केस है ये ओनली रिवर्सिबल केस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो बाकी इंजन बच गए उनका क्या, उसके लिए इरिवर्सिबल केस भी आएगा, उसके लिए हमें क्लोसियस इनइक्वालिटी, ये केस पर्टिकुलर ये आया क्लोसियस इनइक्वालिटी नहीं है, ये वैसे है डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू जीरो, ये कार्नोट इंजन के केस में अगर रिवर्सिबल इंजन है तो ये ओबे करेगा, अगर जनरल केस हमने ड्राइव करना हो तो वो कैसे ड्राइव करेंगे कि अगर जितने भी इंजन है वो सारे जरूरी नहीं है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, उसके लिए हम जनरल केस कंसीडर करके चलते हैं कि एक दो केस जाने के पहले पहला केस जान लेते हैं, हम एक ऐसा इंजन है अपने पास, एक ऐसा रिजर्वायर है जिसका जो कि टेम्परेचर टी आई, जो टी आई टेम्परेचर का हीट रिजर्वायर है, उससे किसी एक हीट निकली अपनी क्यू एच और क्यू आई लिख लेते हैं हम, या फिर डेल्टा क्यू और डी क्यू आई, डी क्यू आई मान लेते हैं, डी क्यू आई हीट लेकर उसने एक साइकिल को दी, एक साइकिल है, अब इस साइकिल इस हीट रिजर्वायर से डी क्यू हीट इस साइकिल को मान लेते हैं इतना वर्क डन करती है, ये मान लेते हैं ये वर्क डन उसने डी डब्ल्यू आई किया, ठीक है, अगर इसने डी क्यू हीट ने डी डब्ल्यू आई वर्क डन किया और मान लेते हैं कंप्लीट साइकिल है वो डेल्टा डब्ल्यू
वर्क डन करता है, तो कंप्लीट वर्क डन कितना होगा डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन साइकिल के अलोंग और डी क्यू आई। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के लिखा हमने, क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी एक हीट रिजर्वायर से इसने निकल ली, साइकिल कंप्लीट साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी इसकी जीरो कंसीडर कर ली, ठीक है। अब वो डीयू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू डीक्यू के इक्वल आ गया। ये स्मॉल साइकिल के लिए था डीक्यू, जो कि डीडब्ल्यू वर्क डन अगर कंप्लीट निकालना तो सभी का समेशन कर दिया हमने। अब इसी टाइप का एक और सर्कल कंसीडर करते हैं कि इसमें कार्नोट इंजन है, एक हीट रिजर्वायर है टेम्परेचर टी पे, उसने कार्नोट इंजन को हीट दे दी, ये सी आई कोई कार्नोट इंजन है, इसने आगे डी डब्ल्यू आई वर्क डन कर दिया, फिर वर्क डन करने के बाद मान लेते हैं इसने ये डी क्यू आई हीट आगे इसको टेम्परेचर टी आई रिजर्वर को दी। अब ये टी आई टेम्परेचर ने फर्दर आगे डी क्यू आई हीट आगे सप्लाई कर दी एक साइकिल को। अब इस साइकिल में मान लेते हैं कि ए वर्क डन स्मॉल ये वर्क डन किया डी क्यू हीट ने और कंप्लीट वर्क डन उसने किया डेल्टा डब्ल्यू। सेम इसी तरह का केस हमने दो केस माने हैं। पहला केस तो ये है कि इसमें सीधा हमने किसी हीट रिजर्वायर से हीट लेके वर्क डन करवा दिया। दूसरा केस हमने ये माना है कि कार्नोट इंजन की हेल्प से हमने साइकिल के ऊपर क्या किया, हीट अप्लाई की और उस साइकिल ने आगे वर्क डन किया डेल्टा डब्ल्यू। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। पहले ने वर्क डन इतना किया, दूसरे ने वर्क डन कितना होगा डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू। इसमें हम कार्नोट की जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे, जो कि कार्नोट इंजन अपने निकाला ना, ये टेम्परेचर टी, इसका देखिए ये टी आई आयत आई आयत, यानी कि एक आयत हीट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर टी है, एक आयत रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर टी आई है, उसने डी क्यू आई जो कि आयत ही है ये हीट, अलग अलग होंगे ना, एक हीट रिजर्वायर यहाँ पे होगा, ये फिर आगे डी क्यू टी, ये मान लिया अगर पी लिखता है ये टी पी है, ये फिर ये मान लेते हैं यहाँ पे टी ए है, फिर ये इधर प्रयोग करता है डी क्यू ए है, तो ठीक है ये अलग अलग प्रकार के हीट रिजर्वायर है, और ये टेम्परेचर टी पे ये सेम टेम्परेचर हीट रिजर्वायर रहेगा। रिजर्वायर का मतलब समझते हो, जिसका मतलब अगर थोड़ी सी हीट निकाले उसमें से तो उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है। हीट रिजर्वायर वही होता है जैसे समुद्र में से एक गिलास हमने पानी निकाल लिया, समुद्र को क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। इसीलिए हीट रिजर्वायर का मतलब है भी अगर उस हीट रिजर्वायर के अंदर से कुछ हीट हमने निकाल ली तो लेकिन उसका टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसे हमने हीट लेके आगे वर्क डन डीडब्ल्यूआई कर दिया, तो यहां से टोटल हीट कितनी निकलेगी, डीडब्ल्यूआई प्लस डीक्यूआई निकलेगी। कैसे? क्योंकि इसने डीडब्ल्यूआई वर्क डन किया और डीक्यूआई आगे हीट लेफ्ट कर दी, तो यहां से टोटल हीट इसने कितनी ली, डीडब्ल्यूआई प्लस डीक्यूआई, और ये डीक्यूआई। अब देखिए कि ये था हमने क्यूएच ओवर क्यूएल इज इक्वल टू टीएच ओवर टीएल, ये किस केस में था, ये इस केस में था अगर ये टेम्परेचर टीएच पे था और यहाँ पे टेम्परेचर टीएल था, इसने आगे वर्णन किया था W और ये कार्नोट इंजन था और इसने हीट यहां से ली थी QH और आगे सप्लाई की थी QL, ठीक है। यहां से QH हीट लेके आगे QL हीट सप्लाई की, तो यानी कि जितनी हीट हायर टेम्परेचर से ली उसने हायर से ली डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर ये, और जितनी आगे सप्लाई की हीट उसके डिवाइडेड में आगे उसने जिसको सप्लाई की उसका टेम्परेचर। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में हम कार्नोट इंजन पे अप्लाई करते हैं तो इसने मान लेते हैं ये डी क्यू आई, यहां पे क्या होगा डी क्यू आई डिवाइडेड बाय टेम्परेचर टी आई इज इक्वल टू, यहां से हीट कितनी ली डी डब्ल्यू आई प्लस डी क्यू आई डिवाइडेड बाय टोटल टेम्परेचर टी। तो ये दो ये इक्वेशन आ गई अपनी। अब इस इक्वेशन से हम निकालते हैं डी डब्ल्यू आई, जो कि डी डब्ल्यू आई कितना होगा, डी डब्ल्यू आई होगा अपना डी क्यू आई टी आई, हाँ डी डब्ल्यू आई टी आई टी ओवर टी आई माइनस वन। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो डी डब्ल्यू आई की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं जो कि आएगी टी ओवर टी आई माइनस वन, ठीक है, डी क्यू आई मल्टीप्लाई में ये डी डब्ल्यू आई की वैल्यू आ गई। अब देखिए कि ये जो केस हमने कंसिडर किया है सेकेंड केस, इसमें जो हीट हमने ये सप्लाई की ये डी डब्ल्यू आई डेल्टा डब्ल्यू वर्क, इसमें ये लग रहा है कि भी इसने जितना हीट सप्लाई की उतना ही वर्क डन आगे प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा तो ये केल्विन की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर जितनी हीट उसने सप्लाई की उतना ही अगर वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो केल्विन की जो दूसरी स्टेटमेंट थी सेकंड लॉ की कि कंप्लीट हीट है वो कभी कंप्लीट वर्क डन के अंदर चेंज नहीं हो सकती, तो वो फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हम ये हमने हमारे पास ये होगा कि डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू आई हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है।
क्योंकि केल्विन की दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है। अब ये डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से आया था और डी के डी डब्ल्यू आई यहाँ से आया, तो इन दोनों को अगर हम निकाल लें, इन दोनों को यहाँ पे ऐड करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा समेशन डी क्यू आई प्लस में डी क्यू आई टी ओवर टी आई माइनस वन, जो कि लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। अब ये इस इक्वेशन को हमने आगे फर्दर ड्राइव करते हैं कि यहां से क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, यहां पे dq इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो dq माइनस dq कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या t और अंदर बचेगा अपना dq ओवर ti, यानी कि ये बचेगा t समेशन साइकिल के अलोंग dqi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल और लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर क्या कभी जीरो से कम होगा, यहां पे टेम्परेचर ये जिससे हीट रिजर्व से इसने लिया, लेकिन T हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू नहीं है, बाकी इसके लिए ट्रू होगी। तो यानी कि समेशन साइकिल के अलोंग डी क्यू ओवर टेम्परेचर T इज लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखें तो डी क्यू आई डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन आई है इसको क्लोसियस इनइक्वालिटी कहते हैं, क्लोसियस इनइक्वालिटी, और ये क्लोसियस थ्योरम है भी, जो ये रेशियो है डी क्यू ओवर टेम्परेचर टी क्लोज इंटरवल के लोग, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, यही क्लोसियस थ्योरम है। लेकिन इक्वल टू किस केस में होगा, इक्वल, ये इक्वल का साइन लगाया ना, ये इक्वल टू केस में होगा जब अपना इंजन कौन सा है, रिवर्सिबल है, अगर रिवर्सिबल इंजन है तो ही इंटीग्रल डी क्यू ओवर डी क्यू आई ओवर टी है वो इक्वल टू जीरो होगा, वो यही है, ये केस हमने आगे यहां पर निकाला था। लेकिन अपना क्या आया है, अपना केस आया है इंटीग्रेशन डी क्यू ओवर टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ये क्लोसियस इंटीग्रल है क्लोज्ड साइकिल के लिए, तो ये क्लोसियस इंटीग्रल है, ये क्लोसियस थ्योरम है कि इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल डी क्यू ओवर टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्लोसियस थ्योरम कंप्लीट स्टडी कर ली, क्लोसियस इनइक्वालिटी क्या होती है जान लिया, बेसिक फिजिक्स वीडियोस थर्मल फिजिक्स हमें अपनी चल रही है तो रेगुलर अपलोड होती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन वो रेगुलर मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।